एसी कैंट मुर्सा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रेस्टोरेंट का नाम है भजन गुलीवर्ड 8 फूड कोर्ट। खुले बैठे हो हैं आज जी? कहाँ एसी साहब? एसी साहब रात के 1:45 रेस्टोरेंट ओपन। वो खिड़की बंद भजन बंद हो गया, एकदम बंद हो गया। ले जी क्या हाल है? बिल क्लियर है, आप लोग जाइए। बिल छोड़ दीजिए इधर, आप लोग जाइए प्लीज। आप सबके बिल क्लियर हैं, प्लीज इवैक्यूएट कर दें फौरन, रेस्टोरेंट सील हो गया है। आए जी आप प्लीज जल्दी कीजिए, बड़ा प्यारा फैसला एसी साहब का। आए जी क्या हाल है जी? साहब आपको नहीं इतना मिली सर, बंद कर दिए जो लोग बैठे हुए उनको कहते तो। भाई आप कब से बैठे हैं इधर? 1 घंटे से बैठे। घंटे से बैठे हैं, ठीक हो क्या? तो यानी कि ये आपका अगर 1 घंटा भी है तो इस वक्त 1:47 इसका मतलब 2 बजे तकरीबन लेट आए थे। मैं आप देखेंगे ना एंट्रेंस वगैरह बंद की थी। नहीं बंद नहीं यार, मैं हम आपके ऐसे बात ना करें। देखिए अभी एक और भाई भी हमारे थे, वो भी बड़े मुअज्जज़ थे, वो भी गलत बात कहते। गलत बात नहीं करनी, गलती हुई है तो हो गई है, कुछ नहीं होता, हो जाती है ना। अभी आप अपने ऑपरेशंस फिलहाल फौरन बंद करें। आपको मैं 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपना किचन क्लीन करें, किचन स्टाफ को इवैक्यूएट करें, रेस्टोरेंट इमीजिएटली बंद करें। मैं सील अभी लगा के जा रहा हूँ, ठीक है? और आप परसों आएँगे, मंडे को आएंगे एसी कैंट ऑफिस में और अपना रेस्टोरेंट डीसील करवाएंगे। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। 15 मिनट दे रहे हैं, आप इसको क्लोज कर लें। क्लोज करें जी। नवाब भाई प्लीज इवैक्यूएट कर दीजिए, मेहरबानी आपकी। मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी और जातियात के लिए भी बेहतर यह है कि इंसान जल्दी जागे, दिन जल्दी शुरू करे और टाइम के ऊपर। मुर्सा भाई मुझे इसी से खुशी हुई है कि आपने सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट्स को नहीं देखा, डीएचए कि आप एक बड़े मेन रोड के ऊपर रेस्टोरेंट आए हैं और आपने उसको बंद करवाया कि वो टाइम की पाबंदी नहीं कर रहे थे। और जब कानून की पाबंदी नहीं करेंगे, सारे के दौरान मेरा फोन भी ऑफ होता है ताकि मुझे अक्रॉस द बोर्ड किसी की कॉल, किसी का कुछ नहीं। देखें लॉ अक्रॉस द बोर्ड है, लॉ सबके लिए है। और मैं फिर लोगों से अपील करूंगा, मेरा नंबर भी अगर आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकें आप प्लीज आप अपना नंबर बोले, मैं उसको डिस्प्ले करवाऊंगा और वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसको डिस्प्ले करवाएं। प्लीज हमें इतला दें कानून की पासदारी में, मैरिज फंक्शन एक्ट। आपको याद होगा लाहौर में इतना बोझ होता था लोगों के ऊपर बेटियों की शादियां करना, वन डिश जब आई तो उसके बाद वो बोझ लोगों का कम हुआ। उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमें इसकी आदत हो जाएगी, इस आदत को अपनाएं, सुबह जल्दी जागें, टाइम पे काम पे जाएं और रात को अपना जो है वो फैमिली के साथ। ये बकायदा एक मैसेज मेरी आपसे गुजारिश भी है और ये हमारी सरकार की डायरेक्शन भी है। अभी हम इसको सील कर रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं। हो गया, स्टिकर लग गया आपका, हम लोग आगे चलें, अगले रेस्टोरेंट चलें। आज हम लोग आगे चलते हैं। एसी साहब हम दोबारा वहीं आए हैं जहाँ से हम गुजरे थे। हम क्यों आ गए हैं? हालात तो वैसे के वैसे ही हैं, इनको आपने वार्न किया था। वैसे के वैसे नहीं है, हालात में फ़र्क है। और देखिए आदि भाई, यही हमें एक मुसलसल जिद्दोजहद, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि एक कांस्टेंट एफर्ट होती है हमारे एंड पे। लोगों को लगता है कि अगर वायलेशन हो रही है तो शायद इंतज़ामिया की गफलत है, पर आप गवाह हैं इस चीज़ के कि हमारी पै दर पै रिपीट एफर्ट होती है। अब लाहौर शहर के हर बाजार के हर कोने में एक बंदा खड़ा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ऐसे ही है, जो कंप्लायंस इंश्योर कराए। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों से अपील करते हैं कि वो हमारे से इसमें तआवुन करें। जैसा आपने देखा हम यहाँ पे ऑपरेशन करके गए तो इस वक्त कंप्लायंस लेवल बहुत बेहतर है, काफ़ी सारे ये रेस्टोरेंट मजीद बंद हैं, पर जो इसके बावजूद भी वायलेशन से बाज नहीं आते उनके खिलाफ फिर सख्ती हमारी मजबूरी है, वो करनी भी पड़ती है। और प्यार और सख्ती का यही जो एक इम्तिजाज है, इसी से हमारा ये जो हुकूमत का सिलसिला। मतलब रात के 1:21 हो रहे हैं तकरीबन, 1 बजे हम यहाँ थे, तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, उससे पहले मैं आपके पास है, यानी 1:45 तकरीबन मैं आपके पास आया था। और कल सुबह 7:30 बजे आप दोबारा मेरे दफ्तर छापा मारेंगे, ये आपने मुझे कहा। हाँ आपने 7:30 बजे बोला, मैं आऊँगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी आऊँगा, चाहे मैं कैमरा के साथ आऊँ या माइक के साथ आऊँ या मैं उसके बगैर आऊँ, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं वो मुझे दिखाई दे दिया है कि कम से कम मैं लाहौर में मौजूद किसी अफसर के लिए कह सकता हूँ कि कोई ईमानदारी से लाहौर शहर के अंदर काम कर रहे हैं। फिर आप हैं या कर्नल साहब हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कर्नल साहब मैं आपके बारे में ही बात करना चाहूँगा। देखें पब्लिक, यू वेलकम, पब्लिक का भी इशू अपनी जगह बिल्कुल एक तरह से हम देखा जाए तो ठीक कहा जाता है। अगर हम देखें मजदूर लोग हैं, मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं, तो कहते हैं जितनी देर भी काम करें ओवर टाइम भी लगे हम करते रहें, लेकिन दूसरी तरफ कानून की भी पे भी इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो हमने प्रोग्राम किया है उसमें आपकी भी सर्विसेज शामिल रहीं, एसी साहब की सर्विसेज शामिल रहीं, इन लोगों की आवाज़ भी आगे तक बनी। प्रोग्राम का नाम जो कि आपकी आवाज़ है उसका मकसद यही है, सबकी आवाज़ बना।
लेकिन अच्छा ये लगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह ठीक काम कर रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आके बाकी जो इदारों में हम लोगों का चलता रहता है सिस्टम, चलता रहता है, बेहतर होता रहता है। आखिर में आपसे इस सवाल के बाद में प्रोग्राम का एंड करूँगा कि किस हद तक हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को माने, किस हद तक वो मानना ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, इस पर आप क्या कहेंगे? लास्ट इस हिसाब से तो मैंने सुन लिया जी, आपका 100% है, 100% आपका 100% जी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और कॉम को फॉलो करना चाहिए जो भी ऑर्डर्स पंजाब गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या जुडिशरी की तरफ से हैं। और इन द एंड टू सम अप आर दिस एक्सरसाइज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ऑल फैमिलीज, अपनी सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपनी आदतों को हम थोड़ा बेहतर करें और ये लेट नाइट मंचिंग वाला जो कल्चर है इसको ख़त्म करें, जिससे मुआशरे की बहुत सी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी और उससे इनके रोज़गार पे भी, जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, वही इनको अर्निंग थोड़ा अर्ली आवर्स में दें बजाय कि लेट आवर्स में दें। कर साहब, यहाँ से मैं एक बहुत बात करके इसका एंड करूँगा कि ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा प्रोग्राम्स आप देख रहे होते हैं, लेकिन आपकी भी नज़र गुजरे होंगे, अक्सर मैं फूड पॉइंट्स पर जाता हूँ और मैं जाके उन चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ कि ये हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक हैं या नहीं, फूड अथॉरिटी को उसके अंदर हम लोग बात करते हैं या उनको हम लोग बात कर रहे होते हैं। रात के वक्त जो रेस्टोरेंट 2 बजे खुला है ना, रात 2 बजे उधर कोई हाइजीन चेक करने वाला नहीं आ रहा। बिल्कुल, रात 2 बजे उधर अगर आप बैठे हैं बाहर और कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस को रिस्पॉन्ड करने में, सिक्योरिटी को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है। बिल्कुल, बेहतर यही है कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आप बाहर ज़रूर खाना खाएँ, पर आप जब जाते हैं आप उनकी सर्टिफिकेट चेक करें और आप उस टाइम में जाएं जब आपको पता है कि इंस्पेक्टर्स, फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह सब उस एरिया के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आखिरी बात ये करने वाला था, आपको आपकी बात कम्प्लीट हो गई जी, जी जी जी। मैं आखिरी बात ये करने वाला था कि हम जब इस तरह के प्रोग्राम कर रहे होते हैं या लोगों के पास जाते हैं या अफगान सेहत के मुताबिक चेक कर रहे होते हैं, तो अमूमन लोग मीडिया वालों को भी गलत कह रहे होते हैं कि यार आप जाके गलत कर रहे हो, किसी की रोजी रोटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। हालांकि आप और मैं इस वक्त इन्हीं के लिए जाग रहे हैं, रात के 2:30 बजे में इनके लिए जाग रहे हैं, ऐसा ही है। तो जहाँ पर हम इनकी मदद कर रहे हैं, इन्हें हमारी मदद भी करनी चाहिए कि जिस तरह आप कहते हैं हमारी सेफ्टी के लिए बात करें, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त असल में यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले मतलब नींद इतनी आ रही है, मुझे बोला भी नहीं जा रहा है, 2:30 बज गए और इधर भी फ्रेशनेस बहुत कम हो गई है। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जो मकसद होता है, चाहे वो मीडिया का मकसद हो या चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेसी का मकसद हो या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद हो, वो यही होता है कि हम काम अपने मुल्क के लिए ही कर रहे हैं, हम कोई दूसरे ममालिक के लिए काम नहीं कर रहे और हम सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर रातों को जाग रहे हैं तो पब्लिक के लिए जाग रहे हैं, अपने खुद के लिए कोई फ़ायदे के लिए नहीं जाग रहे हैं। हमें वही चंद तनख्वाह मिलनी है जो कि हमें मिलनी है, लेकिन मकसद यही है कि लोगों की बेहतरी हो जाए। जहाँ इनकी ड्यूटी पहुँची वहीं पर इन लोगों की आवाज़ भी हम तक या गवर्नमेंट तक पहुँच चुकी है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, आप मोहम्मद आतिफ भट्टी को, टीम आपकी आवाज़ को, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।